हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है स्पेशल चटपटी और खास स्टोरीज। तो दोस्तों, देखते हैं आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। मशान घाट में तांत्रिकों की तंत्र साधना के लिए चिता से खोपड़ी ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अंतिम संस्कार के दो दिन बाद परिजन फूल चुगने मशान घाट पहुँचे तो चिता की राख खुरदुर थी। परिजनों ने वहां रहने वाले फक्कड़ बाबा से इस बाबत पूछा तो वह गोलमोल जवाब देने लगा। शक के आधार पर परिजनों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में उसने दो तांत्रिकों के नाम उगले। पुलिस अब उनकी तलाश में जुट गई है। भगवानपुर निवासी राजबीर सिंह ने बुधवार को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी पत्नी रेखा सैनी की रविवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उसी दिन मशान घाट ले जाकर उनका दाह संस्कार कर दिया गया था। मंगलवार को जब मृतक महिला के परिवार वाले फूल चुगने के लिए मशान घाट पहुंचे तो वहां चिता की राख को खुरदबुर हुआ पाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि गर्दन से ऊपर की हड्डियां गायब हैं। ये देख परिवार के लोग दंग रह गए। उन्होंने मशान घाट में रहने वाले एक फक्कड़ बाबा से पूछा तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। राजबीर सिंह का दावा है कि पूछताछ के दौरान मशान घाट में बने कमरे के अंदर से निकलकर बाबा भागने लगे। परिवार वालों और ग्रामीणों ने उनका पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं पाए। बाबा जंगल के रास्ते भाग निकले। गुस्साए ग्रामीणों ने फक्कड़ बाबा को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही मृतका के पति राजबीर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर तीनों तांत्रिकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। हिरासत में लिए गए फक्कड़ बाबा से पूछताछ शुरू कर दी गई है। उसने दो अन्य फक्कड़ बाबाओं के नाम बताए हैं।